रीवा के तेउंथर से इस वक्त की बड़ी खबर। सोहागी थाना क्षेत्र में एक बार पुनः पकड़े गए गौ तस्कर। गौ तस्करों द्वारा लगभग 50 की संख्या में गौ वंशों को क्रूरता पूर्वक ले जाने की चल रही थी तैयारी, जहां मुखबिर से मिली सूचना के पश्चात ग्राम पंचायत कोनिया कला स्थित नदी के किनारे पहुंचे गौ सेवक डॉक्टर रोहित तिवारी सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर गौ तस्करों को पकड़ा है। इस दौरान सीधी जिले के लक्ष्मण यादव सहित क्षेत्र के दो अन्य पिता पुत्र को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके द्वारा गौ तस्करों में पंचायत क्षेत्र के ही आधा दर्जन लोगों के नाम गिनाए हैं। बता दें कि रीवा एवं मऊगंज क्षेत्र के कई हिस्सों में लगातार गौ वंशों को क्रूरता पूर्वक तस्करी की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा जमकर लापरवाही एवं संरक्षण की बात आ रही है। फिलहाल सूचना के पश्चात काफी समय बाद पहुंची पुलिस द्वारा आरोपियों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई को पूर्ण किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ, इतना बड़ा मामला हो रहा है, 50 किलोमीटर भी नहीं, बिल्कुल आराम से 50-100 यहाँ बंधे हुए हैं, इतनी तस्करी हो रही है। अपना ये कहना था, मैं कुछ की नहीं थी। ग्राम पंचायत कोनिया कला शासकीय पाठशाला सुकलान टोला के सामने एक खेत है, जिसमें यह गौवंश क्रूरतापूर्वक मानकर अवैध तस्करी के लिए रखे गए हैं। टमस नदी का यह किनारा है। क्या चंदन भाई, कहाँ पे?